अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम बज गया है सुबह के 10 बजे। तो सारा काम हो चुका है घर का, जो है मेरा काम, घर मैंने क्लीन कर लिया है, पोछा लगा लिया है। अभी किचन को आई हूँ, नाश्ता बच्चों का हो चुका है और बच्चे स्कूल को भी जा चुके हैं। तो अभी टाइम है हमारे नाश्ते करने का। तो देखिए बासन है थोड़े, तो बासन धोकर थोड़ा नाश्ता बना लूँगी। मकरोनी रेडी है और आटे को मैंने गून के रख लिया है, तो अभी रोटी भी बना लूँगी। बाद थोड़ा किचन क्लीन करना है, किचन क्लीन करने के बाद में आफ्टर उनका लंच तैयार करूँगी। तो आज का रूटीन स्टार्ट हो चुका है हमारा, मेरे घर का। देखिए घर को मैंने क्लीन कर चुकी हूँ, अभी तो किचन का काम बाकी है और वो होने के बाद लंच बनाऊँगी आज। वो देखिए मेरा आगे का कंटिन्यू वीडियो देखिए। कल मैंने जाकर अपने घर में मच्छी लेके आए थे हम, फिश टैंक ऑलरेडी था हमारे पास, तो फिशेस नहीं थे, सारे मर चुके थे। तो कल रेशमा ये लोग बच्चे बहुत इंसिस्ट कर रहे थे फिश लेके आने के लिए, तो मच्छियाँ भी हम लेकर आ गए और उनका खाना भी मैंने डाल चुकी हूँ। देखिए तो उनका भी हो चुका है और ऑलमोस्ट घर भी क्लीन हो चुका है, सारा काम हो चुका है घर का। तो अभी बाकी है, बना ली है एक रोटी, बेल रही हूँ, और एक रोटी तवे पर है, यहाँ पर एक पक चुकी है। तो इसके बाद में अंडे का बैटर भी मैंने रेडी कर लिया है, ये प्याज का अंडा है ऑमलेट। तो रोटियाँ पकने के बाद में मैं अंडा भी बना लूँगी और मैक्रोनी भी बना लूँगी। रोटी डाल चुकी हूँ और तीसरी रोटी की तैयारी है अभी, तो इसको भी बेल लूंगी। नाश्ता जो है अभी रेडी हो रहा है हमारा, मैंने मकरोनी लिया आज, रोटी नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए चपाती एंड ऑमलेट, आज रोटी और ऑमलेट दे रही हूँ। तो आज का नाश्ता ये है हमारा, एक रोटी मैंने तैयार कर लिया, दूसरी रोटी को मैंने बेल कर रख लिया है, और इसके वो मैंने नाश्ता रेडी कर लिया है अभी। देखिए ऑमलेट बन चुका है, सालन भी है और चपाती भी रेडी हो चुकी है, और सारा कुछ नाश्ता भी रेडी हो चुका है। तो बस नाश्ता करेंगे। आइए जिसको भी चाहिए ऐसा नाश्ता बना लीजिए, इजी है और फास्ट बन जाता है। चपाती एंड ऑनियन का ऑमलेट मैंने बनाया है और देख भी लिया है साथ में। तो अभी नाश्ता करेंगे, जिसको भी चाहिए नाश्ता कीजिए ऐसा बनाकर, चपाती एंड ऑमलेट। देखिए आज हम बैठे हैं अभी बाइंडिंग करने के लिए, बुक्स सारे आ चुके हैं, एक फिफ्थ स्टैंडर्ड है, एक सेकेंड स्टैंडर्ड, तो दोनों के बुक्स सेकेंड स्टैंडर्ड के बुक्स वहाँ है। तो हमने बाइंडिंग स्टार्ट कर ली है, और बाइंडिंग स्टार्ट हो चुकी है और दो बुक्स को ऑलरेडी बाइंडिंग हो चुकी है। देखो ये हेयरबैंड पर लगती है, कैसा डांस करती है। देखो लंबी करो, ऐसे हाथ लंबी करो, गेट अप और अभी किक करेंगे के लिए डालते हैं देखने के लिए।